नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इन मीट्रिक स्पेस रियल एनालिसिस BSc फाइनल ईयर का चैप्टर पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ यूनिट है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। हम BSc फर्स्ट ईयर में भी कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, सेकेंड ईयर में भी रियल एनालिसिस के अंदर डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, कोई अंतर नहीं है। वहाँ पर ओपन सेट होता था या कोई सेट होता था, रीजन एनालिसिस में इंटरवल होते थे, ओपन इंटरवल होते थे, ओपन सेट होते थे। यहाँ पर क्या होता है, ओपन स्फीयर है, ठीक है ना। अगर हम यूजुअल मीट्रिक स्पेस में काम करेंगे तो ओपन सेट भी आएंगे, ओपन इंटरवल भी आएंगे, सेम टू सेम डेफिनेशन है, कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है ना। जरा सा मीट्रिक स्पेस की वाली डेफिनेशन लगेगी इसके अंदर, ठीक है ना। ओके देखो तो क्या है बच्चों, देखो लेट एक्स डी एंड वाई डी स्टार बी टू मीट्रिक स्पेस, ठीक है ना, एंड एफ एक्स टू वाई बी ए मैपिंग ऑफ एक्स इन टू वाई, ठीक है ना। ये एक्स सेट है, ये क्या है, वाई सेट है, ठीक है ना। ओके, देन एफ इज सेट टू बी एन कंटिन्यूस ए एट ए बिलोंग्स टू एक्स इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एंड डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट डी एक्स ए लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज डी स्टार एफ एक्स एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो इसको हम बिल्कुल वैसी डेफिनेशन में पढ़ेंगे, कैसे, जो हम BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पढ़ के आए हैं। देखो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो वहाँ पर क्या होता था भाई, कोई भी एफ एक्स फंक्शन होता था उसको क्या बोलते थे, कंटिन्यूस, क्या बोलते थे, कंटिन्यूस, और ए बिलोंग्स टू एक्स, कोई भी पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। तो ए बिलोंग्स टू एक्स पर एफ एक्स कंटिन्यूस होगा कब, अभी देर फॉर गिवन, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एक्स माइनस ए का डिफरेंस लेस देन डेल्टा आ जाए। दिस इंप्लाइज क्या होना चाहिए, अभी एफ एक्स और माइनस में एफ ए लेस देन क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन, ये बात है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं यूजुअल मीट्रिक स्पेस की बात करूँ तो देखो डी एक्स ए लेस देन डेल्टा, यानी डी एक्स ए का मतलब क्या है यूजुअल मीट्रिक स्पेस के अंदर भाई, क्या होता है डी एक्स ए का मतलब एक्स माइनस ए ही होता है, एक्स माइनस ए ही होता है, ठीक है ना। तो डी एक्स ए लेस देन डेल्टा कह लो, एक्स माइनस ए का मोड लेस देन ए डेल्टा कह लो। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है, एफ एक्स माइनस में एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे क्योंकि, अब क्योंकि एक्स के अंदर क्या है डी मीट्रिक स्पेस है, वाई के अंदर क्या है बच्चों डी स्टार है, तो यहाँ पे डी की जगह क्या आ जाएगा, डी स्टार, डी स्टार। और एफ एक्स माइनस एफ ए का है क्या मतलब है, एफ एक्स और एफ ए, ठीक है ना, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो ये दोनों डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल रियल एनालिसिस में कह लो या, ठीक है ना, या मीट्रिक स्पेस में कह लो, दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर है। यहाँ पर एक्स माइनस ए क्या है, एक्स माइनस ए क्या है वास्तव में, एक्स माइनस ए एक ओपन सेट है, कैसे, कैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, देखो देखो ये आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई, तो देखो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ भाई ये क्या सिस्टम है, तो देखो क्या सिस्टम आया हमारे पास है? अभी एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा है, तो एफ एक्स माइनस में एफ ए का मोड क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो ये क्या है, देखो अगर अगर ये एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा है तो इसके, ये इसके डेल्टा और माइनस डेल्टा के और डेल्टा के बीच में वैल्यू रहेगी, ए जोड़ दो दोनों तरफ, ए माइनस में डेल्टा और ग्रेटर देन आ गया एक्स और लेस देन ए प्लस ए डेल्टा, ठीक, ये क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा और ए प्लस ए डेल्टा, तो ये क्या आ गया, ओपन इंटरवल आ गया। और हम जानते हैं यूजुअल मीट्रिक्स के अंदर एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन स्फीयर, एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन स्फीयर, ठीक है ना। सिमिलरली क्या आ गया ऐसे बच्चों, एफ एक्स माइनस में एफ ए, ये क्या आ जाएगा पता है, ये आ जाएगा एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी पता है, किस किसके बीच में आ जाएगा, एफ आ जाएगा एफ ए, एफ ए माइनस में एप्सिलॉन है और एफ ए प्लस में एप्सिलॉन, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी भाई एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस
ये क्या है, ओपन इंटरवल है ये भी, ये किसके अंदर है, वाई के अंदर है, ठीक है ना। तो ये सेम चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्या कह रहा है, लेट एक्स डी एंड वाई डी स्टार बी टू मीट्रिक स्पेस एंड एफ एक्स वाई बी ए मैपिंग ऑफ एक्स इंटू वाई, देन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट ए बिलोंग्स टू एक्स इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर सच दैट डी एक्स लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज डी स्टार ए एफ एक्स एफ एक्स एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो डी एक्स ए लेस देन डेल्टा का मतलब क्या है, ये किसके अंदर है, वह एक्स के अंदर है। ए क्या है, सेंटर, ए क्या है, सेंटर, और एक्स क्या है, कोई भी स्फीयर का एलिमेंट डेल्टा। तो डी एक्स ए लेस देन डेल्टा, यहाँ पे क्या है, ए, यहाँ ए क्या सेंटर है, यहाँ पे क्या है, एफ ए सेंटर है, और एप्सिलॉन रेडियस, एप्सिलॉन क्या है, रेडियस, और ये यहाँ से ही आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो डी एक्स ए लेस देन डेल्टा, ये ओपन स्फीयर है, तो यहाँ पे क्या है, डी डी स्टार एफ ए, डी स्टार एफ ए एफ एक्स, ठीक है ना, डी स्टार एफ एक्स एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, समझ में आई बात ये, ठीक है, ओके। अब देखो तो यहाँ पर क्या है, ए जो सेंटर है वो एफ ए के सेंटर में चला जाना चाहिए, यानी कि सेंटर हमेशा सेंटर, अगर ओपन स्फीयर के अंदर क्या है, अगर एक्स के अंदर ए सेंटर है तो यहाँ पे एफ ए सेंटर होना चाहिए, यहाँ पे डेल्टा रेडियस है तो उसके बदले में इस एप्सिलॉन के बदले मुझे क्या डेल्टा मिल जाना चाहिए, ठीक है ना, और इस ओपन स्फीयर के बदले में ये ओपन स्फीयर आ जानी चाहिए, यानी कि ये ओपन स्फीयर क्या होनी चाहिए, इसकी जो इमेज है अंडर एफ है, इस ओपन स्फीयर के अंदर कंटेंट और इक्वल टू आ जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो सेकंड डेफिनेशन मैं इसको बताता हूं आपको, तो ये सब क्या है, देखो तो ये क्या है, एस, ये क्या है, एस ए डेल्टा, एस ए डेल्टा, ठीक है ना, और ये क्या है, एस एफ ए एप्सिलॉन, ठीक है ना। तो इसकी जो इमेज है ना, इसकी जो इमेज है इस ओपन स्फीयर की, इसके अंदर क्या आ जानी चाहिए, प्रॉपरली कंटेंड और इक्वल टू आ जानी चाहिए, क्या आ जानी, कंटेंड और इक्वल आ जानी चाहिए, तब क्या बोलेंगे, अगर ये फंक्शन ए पॉइंट के ऊपर क्या है, कॉन्टिन्यूस है, क्या है ये, कॉन्टिन्यूस है, या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, लेट एक्स डी एंड वाई डी स्टार बी टू मीट्रिक स्पेस एंड लेट एफ एक्स वाई टू फंक्शन है, देन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट ए पॉइंट ए बिलोंग्स टू एक्स इफ फॉर ईच ओपन स्फीयर, यानी कि ओपन स्फीयर एस एफ ए एप्सिलॉन, इस तरह की ओपन स्फीयर एस एफ ए एप्सिलॉन, यानी एफ ए को सेंटर मान के एप्सिलॉन रेडियस की ओपन स्फीयर के लिए, फॉर ईच ओपन स्फीयर इन वाई के लिए, ठीक है ना, सेंटर्ड एट एफ ए, सेंटर्ड एट एफ ए, देर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस ए डेल्टा, एस ए डेल्टा किसके अंदर है, एक्स के अंदर, ठीक है ना, जिसका सेंटर क्या हो, ए हो, रेडियस क्या हो, डेल्टा। तो इस तरह के ओपन स्फीयर के लिए एफ ए सेंटर होना चाहिए, एप्सिलॉन क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए, किसके अंदर है, वाई के लिए, इसके हरेक ओपन स्फीयर के लिए वाई के अंदर, ठीक है ना, जिसका एफ ए कैसा हो, सेंटर हो, एप्सिलॉन क्या हो, रेडियस हो, उसके लिए हमें क्या और मिल जाना चाहिए, एक्स के अंदर ओपन स्फीयर मिल जाना चाहिए जिसका सेंटर ए हो, रेडियस क्या हो, बच्चो, डेल्टा हो, ठीक है ना, समझ में आई बात है। तो सेंटर डेट है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एस ए डेल्टा, दिस इंप्लाइज एफ एक्स बिलोंग्स टू एस एफ ए एप्सिलॉन, ठीक है ना। अगर x इसके अंदर, इसके इस ओपन स्फीयर की, दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, अगर इसके ओपन, इस ओपन स्फीयर की हर एक एलिमेंट की इमेज इसके अंदर है, ठीक है ना, एफ ए एप्सिलॉन रेडियस, एफ ए सेंटर हो और एप्सिलॉन क्या हो, रेडियस हो, तो x की इमेज एफ एक्स इसी के अंदर आनी चाहिए, ठीक है ना। या सीधे सीधे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, अब ए सेंटर हो, रेडियस क्या हो उसका, डेल्टा, इस पूरी ओपन स्फीयर की अंडर एफ इमेज किसके अंदर आना चाहिए, एफ ए सेंटर की, एप्सिलॉन रेडियस की ओपन स्फीयर के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह के फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है ना। तो चार तरह की बहुत सारी डेफिनेशन है, सारी की सारी क्या है, सिमिलर हैं, सारी की सारी क्या है बच्चों, सिमिलर, सिमिलर है, ठीक है ना, ओके। अब देखो
अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अभी एक डेफिनेशन ये भी लिखता है कई बार, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है ये बात भी। अब देखो एक बात बताओ मेरे को वापस, भाई जैसे जैसे एक्स ए की तरफ जाएगा वैसे वैसे एफ एक्स की वैल्यू एफ ए की तरफ जाएगी, ये एक्स कभी ए नहीं हो सकता और एफ एक्स कभी ए नहीं हो सकता। इट मीन्स डैट जैसे जैसे एक्स माइनस ए का डिफरेंस लेस देन डेल्टा होगा, यानी कि एक्स एक नहीं होगा कभी भी, वो इनका ए के बिल्कुल वेरी क्लोज होगा लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो इसके लिए क्या होगा, अगर भी एक्स माइनस ए का डिफरेंस किसी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो से क्या होगा, ठीक है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव आएगा, कुछ ना कुछ क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना, ओके। अब क्योंकि ये ए एक्स ए की इक्वल तो हो नहीं सकता, तो इसी तरह से एफ एक्स एफ ए के इक्वल नहीं हो सकता। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स ए और एफ ए का डिफरेंस क्या आएगा, किसी न किसी एप्सिलॉन से छोटा आएगा, ठीक है ना, किसी न किसी एप्सिलॉन से छोटा आएगा। तो ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन दोनों के दोनों क्या हैं, सिमिलर है, क्या है बच्चों, ये दोनों के दोनों सिमिलर है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही है, अगर जैसे जैसे ये एक्स ए की तरफ जाएगा वैसे वैसे ये एफ एक्स एफ ए की तरफ आएगा। तो जैसे जैसे ये एक्स और ए का डिफरेंस लेस देन डेल्टा होगा वैसे वैसे एफ एक्स और एफ ए का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है ना। तो सारी की सारी डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है ना। ये क्या है, डी एक्स ए को सेंटर मान के डेल्टा रेडियस की ओपन स्फीयर है, ये क्या है एफ ए को सेंटर मान के एप्सिलॉन रेडियस की स्फीयर है, किसके अंदर है, वाई के अंदर, ये किसके अंदर है, एक्स के अंदर है, ठीक है ना। ऐसा भी कह सकते हो अगर भी इस एस एफ ए एप्सिलॉन के अंदर है, ठीक है ना, इस की इमेज क्या आ जानी चाहिए, इसके अंदर पूरी की पूरी आ जानी चाहिए। कैसे भी कर लो, बहुत सारी डेफिनेशन है, ठीक है ना, तीन चार डेफिनेशन है, सारे के सारे सिमिलर है, कहीं पे कोई भी यूज की जा सकती है, ठीक है ना। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। कुछ थ्योरम करते हैं इससे रिलेटेड एक दो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आती रहती है। इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स टी, देन एफ प्लस जी एंड एल्फा एफ आर आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन वेयर एल्फा इज एनी रियल नंबर। एफ और जी क्या दे रखे हैं, दोनों कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन दे रखे हैं, तो उन दोनों का सम और एल्फा एफ यानी किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या आना चाहिए, कंटिन्यूस फंक्शन आने चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, टू प्रूव एफ प्लस जी इज कंटिन्यूस लेट F and G be two real valued continuous function and A belongs to S any, ठीक है ना, element। अब देखो F और G क्या है, सिंस एफ एंड जी आर इज कंटिन्यूस गिवन आपको, सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा वन एंड डेल्टा टू ग्रेटर देन जीरो सच दैट, देखो कैसे, डी एक्स ए लेस देन डेल्टा वन, दिस इंप्लाइज एफ एक्स माइनस में एफ ए मोड एप्सिलॉन बाई टू एंड डी एक्स ए लेस देन डेल्टा टू, दिस इंप्लाइज एफ एक्स माइनस में एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, ठीक है ना। ये किसके लिए कंडीशन है बच्चों, सॉरी ये जी एक्स आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, जी एक्स और जी ए, ठीक है ना। तो ये एफ एक्स के लिए है, ये जी एक्स के लिए है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, टेक मैक्सिमम, मैं इन दोनों का क्या ले लेता हूँ, डेल्टा वन और डेल्टा टू का मैक्सिमम ले लेता हूँ, ठीक है ना। मान लिया इस डेल्टा वन की वैल्यू ले ली वन, यहाँ ले ली टू, तो मान लिया डी एक्स ए लेस देन ए, अब दोनों का मैक्सिमम क्या आएगा, दो आएगा, तो दो डी एक्स ए लेस देन टू, ये बात ठीक है, क्यों, ठीक है ना, जो जो वैल्यू एक से
छुट्टी है वो 2 से छुट्टी होगी ही होगी, और ये 2 से छुट्टी पहले से ही है एक तो, ठीक है ना। तो ये 2 मेरे लिए क्या है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या ले लेते हैं, हमें इन दोनों का मिनिमम का मैक्सिमम का नाम क्या रख लेते हैं, डेल्टा। क्या नाम रख लेते हैं, डेल्टा, ठीक है ना। तो दोनों के लिए क्या आ गई, डी एक्स ए लेस देन डेल्टा, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस में एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और जी एक्स माइनस में क्या आ गया, जी ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ से क्या आ गया, बुक में मिनिमम लिख रखा है जो कि गलत है, ठीक है ना। जो चीज़ें 2 से छुट्टी हो सकती है वो 1 से छुट्टी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो सकता है 2 से छुट्टी होने का मतलब क्या है, वो 1.5 के आसपास हो, तो 1 से छुट्टी कैसे आएगी, ठीक है ना। तो बुक में मिनिमम लिख रखा है, बुक में मिनिमम है तो गलत है, वो मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना। ओके, तो देखो यहाँ से क्या ले लेते हैं, अभी अपना टारगेट लेते हैं एफ प्लस जी इंटू में एक्स, और माइनस में एफ ए प्लस जी इंटू में ए, ठीक है ना। मोड ले लिया यहाँ से, ये जो उल्टू क्या आ गया बच्चों, यहाँ से देखो यहाँ पर एफ प्लस जी ऑपरेट कर देते हैं, एफ ए एक्स प्लस में जी एक्स माइनस में एफ ए माइनस में जी ए का मॉडुलस इज इक्वल टू, इनको अलग अलग कर लेते हैं, एफ एक्स माइनस में एफ ए, ठीक है ना, और प्लस में जी एक्स माइनस में जी ए का मॉडुलस। लेस देन इक्वल टू लगा देंगे, ये क्या, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, तो ए प्लस बी का मोड क्या होता है बच्चों, मोड ए प्लस मोड बी, तो अलग अलग को लेते हैं, एफ एक्स माइनस में एफ ए और प्लस में जी एक्स माइनस में जी ए का मोड, और फर्दर स्ट्रिक्टली लेस देन किससे आ जाए, क्योंकि स्ट्रिक्टली है यहाँ, तो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस में ये भी किससे है, एप्सिलॉन बाई 2। तो यहाँ से क्या बात आ गई बच्चों मेरे पास, अभी डी एक्स ए लेस देन डेल्टा, दिस इम्प्लाइज डी स्टार, ठीक है ना, एफ एक्स और एफ ए लेस देन क्या आ गया, एप्सिलॉन, ठीक है ना। यही चीज़ है, डी एक्स ए लेस देन डेल्टा का मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस ए का डिफरेंस क्या आ गया, डी एक्स ए लेस देन डेल्टा का मतलब, ठीक है ना, ऐसे आ गया, एक्स माइनस ए का मतलब लेडल, और डी स्टार एफ एक्स एफ ए का मतलब क्या आ गया, यहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों मेरे पास, तो डी एक्स ए लेस देन डेल्टा आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, क्या आ गया बच्चों यहाँ से, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स एफ एफ ए, ठीक है ना। यहाँ से क्या आ गया, एफ ए प्लस जी एक्स माइनस में एफ ए प्लस जी इंटू में ए का मतलब लेस देन एप्सिलॉन आ गया, इसका मतलब एफ प्लस जी क्या आ गया यहाँ से, एफ प्लस जी इज कंटिन्यूस, एफ प्लस जी क्या आ गया यहाँ से बच्चों, कंटिन्यूस आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से एक चीज़ और प्रूव करेंगे हमें, अल्फा एफ और पुट करेंगे, उसको भी हम क्या दिखा देंगे, कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। देखो प्रूफ, अल्फा एफ इज कंटिन्यूस, ये दिखाएंगे। तो अल्फा क्या ले लेते हैं, कोई भी अल्फा बिलोंग्स टू आर एनी रियल नंबर, ठीक है ना। तो देखो, तो क्या करेंगे बच्चों, एफ क्या दे रखा है, एफ क्या दे रखा है हमको, कंटिन्यूस, क्या दे रखा है, कंटिन्यूस। सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट डी एक्स ए लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस में एफ ए मोड लेस देन क्या ले लेंगे बच्चों, एप्सिलॉन माइनस में मोड अल्फा, ठीक है ना। ये अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर ले सकते हैं, तो कंसीडर अल्फा एफ एक्स माइनस में अल्फा एफ ए, ठीक है ना। तो यहाँ से ले लेते हैं अल्फा का मोड, और यहाँ पे हो गया एफ एक्स माइनस में एफ ए, ठीक है। ओके,
तो यहाँ क्या दे रखा है, डी एक्स है लेस देन डेल्टा दे रखा है, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, अब यहाँ से स्ट्रिक्टली लेस देन कर देंगे, मोड अल्फा और एप्सिलॉन अल्फा का मोड ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, अभी डी एक्स ए लेस देन डेल्टा आ गया, डिस इम्प्लाइज अल्फा एफ एक्स, अल्फा एफ एक्स माइनस में अल्फा एफ ए, ठीक है ना, यहाँ से ये ऐसे करते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ से ब्रैकेट लगा लेते हैं, एफ ए लेस देन क्या आ गया बच्चों, एप्सिलॉन आ गया, इसका मतलब क्या आ गया मेरे यहाँ से, अल्फा एफ इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। प्लीज़ अगर आपको ये थ्योरम और मेरी सारे वीडियो अगर अच्छे लगें आपको, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, धन्यवाद।